के एमपी मध्य प्रदेश। तो आप लोग यहाँ पर किस लिए आए थे? हम यहाँ काम करते थे, मजदूरी करते थे। अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, मकान वाले किराया मांगता है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है मेरे पास और अपने घर जाना चाहते हैं। तो अभी जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उन्होंने ये कहा है कि आपकी सरकारों से बात करके आप लोगों को भेजा जाएगा। सर ऐसा एक बार और बोला था पहले ही, और हम करते हैं ऑनलाइन करो, हमको ऑनलाइन करना आता नहीं सर, इतने पढ़े लिखे नहीं सर, हम क्या कर सकते हैं, हमारी व्यवस्था कुछ बनाओ। और पैदल भी नहीं जाने देते सर, कैसे जाऊं सर बताओ। परमिशन के लिए आते हैं तो कहते हैं हाँ परमिशन नहीं मिलेगा, कहीं डीसी के पास जाओ, कहीं जाते हैं बस स्टैंड जाते हैं तो वो कहते हैं डीसी के पास जाओ, यही कहते रहते हैं सब लोग। हम कई तो जगह तो आश्वासन तो आप लोगों को दिया है कि आज शाम से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं अब रजिस्ट्रेशन होंगे तो कैसे होंगे सर, वो तो पता ही नहीं, ऑनलाइन हमको आता नहीं करना। ठीक, क्या नाम है जी आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले? गज्जत सिंह जी पर रहते हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अभी आप लोग घर जाने के लिए यहाँ पर आए? और हम 50 लोग हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं, खाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी राहन मिलता कभी नहीं मिलता है, तो भूखे प्यासे कब तक रहेंगे यहाँ पर? कोई आसानी दिखाई दे रही कि घर जा सकते हैं? तो अभी जिला प्रशासन के अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है? ऐसे तो कई बार बोला लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कोई भेजे घर, घर भेजने का कोई उपाय मिले तब पता लगता है।
हाँ, मुझे कोई विश्वास नहीं किसी पे कि मेरे बच्चे घर पे भूखे पड़े हैं। भाई लोग कोई किसी का सहारा देता नहीं आज की दुनिया में, कहाँ पर जाए वो लोग, कहाँ पैदल चलने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते रोडों पे। मकान मालिक कहता है भाई एक महीने का किराया माफ़ कर देंगे, अगले महीने का किराया लेंगे आपसे, बोलो कहाँ जाए वो। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार नाम है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ बहराइच डिस्ट्रिक्ट बहराइच से हूँ, यूपी से। तो सर आज आप लोग यहाँ आए थे किस लिए आए? सर आए थे हेल्प के लिए, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत पड़ रही है, जेब में पैसे भी नहीं है, खाना के लिए भी दिक्कत हो रही है। ठीक है सर, तो हम घर जाना चाहते हैं सर, ठीक है, इसके लिए कुछ हमारी सहायता कीजिए सर। तो अभी यहाँ पर SDM पहुँचे थे, उन्होंने तो कहा है कि आप लोगों को भेजेंगे रात शाम से, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बोलने तो हैं सर, जब काम हो जाए जब भी उम्मीदें हैं सर, दिक्कत पड़ती है, भूखे मरने से अच्छा है, इससे अच्छा हमें अपने गाँव जाने दिया जाए सर, किसी भी तरीके से हम वहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं, यहाँ पे हमारा उन्हें हाल पूछने वाला है ना कुछ है। भूखे मरने से सर अच्छा है अपने घर पे माँ बाप के पास चले जाएँ सर, ठीक है सर। तो इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दिक्कत।